Jai Hind is not responsible in any way for any dramatic change in hormone levels, testosterone, estrogen, or any other gen. And the viewership of the show cannot, under any circumstances, be used in an equation calculating any trend in Indian population. This statement remains true, irrespective of any statistics of penetration of anything into anything, including but not limited to the penetration of television in rural Indian households. आज ना हेलो बोलूंगा, ना वेलकम, और ना ही शो का नाम। जो सबसे पहले कमेंट्स में शो का नाम लिख के भेजेगा, उसे मिलेगा राकेश रोशन जी के साथ 3 दिन और 4 रात का मुफ्त स्टे। ऑफ कोर्स ये सरप्राइज गिफ्ट है और इसके बारे में राकेश रोशन को भी नहीं पता। एनीवे, राखी सावंत के बाद अब राहुल महाजन भी एनडीटीवी पर स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। क्योंकि राखी और इलेश का ब्रेकअप हो चुका है तो राखी इसमें कंटेस्टेंट बनकर जा सकती है। वैसे देखा जाए तो इलेश भी जा सकता है। दिसंबर से शो शुरू होने वाला है तो नए शो का नाम है राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, RDLJ। वैसे अगर राहुल का बिहेवियर देखा जाए तो शो का नाम होना चाहिए RDLL, राहुल दुल्हनिया की ले लेगा। But I think it's a fair game. अगर राखी के स्वयंवर में दुनिया भर के लड़कों को मौका मिल सकता है अपना अपना चुना हुआ टैलेंट दिखाने का, तो लड़कियों के लिए भी तो कोई मौका होना चाहिए ना। आखिर लड़कियां भी तो चुनिंदा टैलेंट रखती है। और अच्छी बात यह है कि RDLL में कुछ एकदम हटके राउंड्स भी होंगे। हाँ, जैसे कि राउंड 1 गांजा राउंड। हर कंटेस्टेंट को राहुल महाजन के साथ 3-3 घंटे गांजा मारना होगा। जो उसके बाद भी उठ गया वो अगले राउंड में जाएगा, जो नहीं उठा उसे बिग बॉस वाले ले जाएंगे। राउंड 2 मसाज राउंड। नहीं, इसमें कंटेस्टेंट राहुल का नहीं, राहुल हर कंटेस्टेंट का मसाज करेगा। राउंड 3 पायल रोहतगी राउंड। इसमें हर कंटेस्टेंट को प्रूफ करना होगा कि वो पायल रोहतगी से ज्यादा डंब, टेस्टलेस और शरील है। आवाज एकदम पतली है। अरे भाई, जब वही सफेदी वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले वो ना ले। वैसे हमने इस शो के प्रोड्यूसर से बात की है, हाँ, RDLL के इस शो के। हाँ जी, ही इज वेरी एक्साइटेड, बट आफ्टर दिस ब्रेक।